हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूएसबी केबल या चार्जिंग जो केबल होती है, ये इसका ऊपर का जो रबड़ है ये क्रैक हो जाए जॉइंट से, तो इसको किस प्रकार से फिक्स करें कि ये दोबारा ख़राब नहीं हो। आप देख रहे हैं ये यूएसबी जो केबल है उसकी अंदर की जो वायर्स हैं, चारों वायर तो ओके हैं, लेकिन अगर इसका जॉइंट यहाँ से मजबूत नहीं किया तो कुछ दिन में ये भी ख़राब हो जाएगी। ये ओरिजिनल यूएसबी केबल है, इसलिए इसकी सेफ्टी मुझे करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल आसान है, इसके लिए आपको ये पेन लेने पड़ेंगे। ऐसे आप दो पेन ले लीजिए, कोई भी पुराने पेन आप ले सकते हैं। ये पेन है मॉन्टेक्स स्टाइलो, और आप देखते हैं ये जो पेन है मॉन्टेक स्टाइलो, इसके ऊपर एक रबड़ की ग्रिप होती है, ये ऐसी ग्रिप चढ़ी हुई होती है। एक ग्रिप मैंने पूरी काट ली है बिल्कुल बीच से, और एक ग्रिप दूसरी जो ग्रिप है उसको मैंने उसका थोड़ा ज़्यादा टुकड़ा काटा है। ये मैं बता दूं क्यों, ये मैंने ज़्यादा कटिंग की है। इस हिसाब से आपको कटिंग करनी है कि ये जो नीचे की वायर है उसके ऊपर ये पूरी फिक्स आ जाए। आप देखते हैं इस प्रकार से ये पूरी फिक्स आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर एक धागा बांधना है। ब्लैक कलर का धागा मिले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वायर भी ब्लैक कलर की है। मेरे पास ब्लैक कलर नहीं है, ये ब्राउन कलर का भी मैं यूज करता हूँ। तो ये धागा मैं थोड़ा ले लेता हूँ, और इसको काटने के बाद इस वायर के ऊपर टाइट टाइट आपको इसको लगा देना है। अगर ये थोड़ा आपको लगे कि कटिंग और करनी है तो बिल्कुल आसान है, इस प्रकार से आप कैंची से हल्का सा इसको और काट सकते हैं। अब देखिए ये जो छोटी वायर है ना हमारा, ये इसके ऊपर आपको क्या करना है, धागा बांध देना है अच्छी तरह से। इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, धागा बांध दीजिए इसके ऊपर। इतना काफी रहेगा धागा। ये मैंने इसके ऊपर धागा बांध दिया है, और इसके आप फिक्स कर दीजिए। और एक्स्ट्रा जो धागा बचे उसको काट दीजिए। तो आप देखिए ये जो वायर थी, अब इसकी मोटाई और यहाँ ये जो कनेक्टर है इसके ऊपर जो आगे पॉइंट बना हुआ है, इसकी मोटाई समान हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ग्रिप एक दूसरी ली है इसको मैंने केवल कट किया है, इसमें से कोई टुकड़ा नहीं काटा है। इसको हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे इस प्रकार से। अभी ये थोड़ा सा कटिंग और करना पड़ेगा, आप चाहें तो कर लें, ताकि ये पूरा ये देखिए इतना टुकड़ा काट लीजिए। और अब आप देखते हैं ये पूरा फिक्स हो चुका है। अब इस एक बार और आपको इसके ऊपर धागा लगा देना है। इस प्रकार से आप इसका साइड दूसरी तरफ घुमा दीजिए, अच्छा रहेगा। धागा आप थोड़ा सा अच्छी तरह लगाएंगे तो सुंदर लगेगा, एक के बाद एक पास पास राउंड देते जाएंगे तो भद्दा भी नहीं लगेगा। इस प्रकार से आप इसको कस दीजिए धागे को।
मैं इसको ऐसे ही कस देता हूँ। अगर टाइम हो तो लगातार धागे को आप अच्छे ढंग से कसिए ताकि थोड़ा जोड़ ये आपका सुंदर लगे। तो ये देखिए धागा मैंने कस दिया है। अब हम इसको एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। ये अब धागा काट दीजिए और इसके ऊपर चाहे तो टेप लगा सकते हैं। अब ये वायर है बिल्कुल यहां से जहां से क्रैक थी वहां से बिल्कुल भी ये अब नहीं हिल रही है और फ्लेक्सिबल भी है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर और भी थोड़ा सा धागा आप बांध सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्रैक वायर होती है उसका बहुत ही अच्छा और परमानेंट इलाज है। ये देखिए, इसके अलावा मैंने कुछ वीडियो में देखा था, काफ़ी सारे लोग ये टेप का मेंशन करते हैं जो बिजली के काम में आती है, बिजली की वायरिंग के लिए, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये दो चार दिन बस चलती है और उसके बाद वहाँ से लूज हो जाती है। इसी प्रकार ये डॉक्टर स्टेप हैं, कुछ लोग इसका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं। ये देखिए, एक चार्जर था मेरे पास, उसके ऊपर मैंने इसको लगाया तो ये दो चार दिन में ही लूज हो गई है। यहाँ से ऊपर मैंने टेप लगाई, वो भी लूज हो चुकी है। एक और भी तरीका है कि आप ये जो क्रैक जोड़ जो जॉइंट है ये क्रैक हो जाती है ऊपर की वायर, उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, ये एम सील का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको दो तीन घंटे या चार घंटे का टाइम चाहिए इसको फिक्स होने के लिए, और वो टाइम इतना हमारे पास होता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो एम सील है इसको मैंने क्या किया था, ये काफ़ी ज़्यादा तक इसमें क्रैक था, वायर अंदर से भी क्रैक थी। एम सील है वो बिल्कुल पकड़ की हुई है इसके ऊपर भी, कनेक्टर के ऊपर और वायर के ऊपर भी, और लेकिन ये थोड़ा बद्दा लग रहा है। आप चाहें तो इसको फिनिशिंग भी दे सकते हैं इस पर, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, घिस करके इसको अच्छा आकार देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा बद्दा लगता है, मुझे ये सबसे बेस्ट जो था वो आइडिया मैंने आपको बताया है। ये इतना भद्दा भी नहीं लगता, आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा टेप वगैरह हल्की फुल्की लगा सकते हैं। और ये देख सकते हैं एक और, जैसे कि वायर है, कई बार ये जो देख रहे ये देखते हैं हम आप, ये एक यूएसबी ओटीजी केबल है और इसका जो वायर है वो भी यहाँ से आप ऊपर से देखते हैं कट है, और अंदर की जो वायर है वो आपको दिखाई दे रही है, अभी तक अनकट है, ठीक पड़ी है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम ये जो पेन की ग्रिप होती है, इस प्रकार से पेन की ग्रिप होती है, वो यहाँ कामयाब नहीं रहेगी क्योंकि इसकी ऊपर वाले के ऊपर पकड़ नहीं बन पाएगी। तो यहाँ मैं आपको कहूँगा कि आप एम सील का यूज़ करिए। अब एम सील क्या होता है, इसमें आपको दो कंपोनेंट मिलते हैं, इन दोनों को समान मात्रा में आपको अच्छी तरह मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद आपको यहाँ इसके ऊपर लगा देना होगा, यहाँ तक गोलाई में या जैसे भी, और इसको काफ़ी देर तक, कम से कम भी चार पाँच घंटे टाइम होगा, लगभग आपको चार पाँच घंटे इसको रखना पड़ता है, और उसके बाद यहाँ से ये फिक्स हो जाती है, और जितनी दूर तक एम सील लगी हुई है वहाँ तक ये फिक्स रहती है। तो एक तो ये भी तरीका है बहुत अच्छा। इसके अलावा एक और तरीका है, वो है एरल डाइट का। इसमें भी दो ट्यूब होती है, उन दोनों ट्यूब को समान मात्रा में लेने के बाद मिक्सिंग किया जाता है और अप्लाई किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी लूज रहता है और इतना सक्सेसफुल नहीं बन पाता, बद्दा भी लगता है। तो इस प्रकार मैंने आपको कई तरीके, दो तीन तरीके बताए
एक तो जो पेन की ग्रिप होती है उसका यूज़ करके ये सबसे बेस्ट है, दूसरा है एम सील का यूज़ करके जो कि मैंने इस वायर पे लगाया हुआ है बहुत टाइम से, ये वायर है अच्छा वर्क कर रही है, ना तो क्रैकिंग है ना ही कोई लूजनेस है। तीसरा हेराल्डाइट से भी आप इसका यूज़ करके कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं हो तो फिर तो आपको पता ही है कि ये टेप सिंपल है, इसको लगाइए, लेकिन ये ज़्यादा टाइम वर्क नहीं करेगी। दूसरा, कभी भी आप इनके ऊपर फिक्सिंग करते हैं इनकी, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये जो दोनों वायर हैं इनकी जो मोटाई है वो समान होनी चाहिए, जैसे कि ये चार्जर है और इसके ऊपर ये एक पॉइंट बना हुआ है और आगे की जो लीड है वो थोड़ी पतली है, तो इनका पहले आपको मोटाई समान करनी पड़ेगी और इसके बाद इनको फिक्सिंग करना पड़ेगा। एक और भी तरीका है, आप प्लास्टिक की बोतल लेकर के उसका प्लास्टिक भी कट करके यहाँ पर लगा सकते हैं और धागे वगैरह से बांध सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो हमारी यूएसबी केबल होती है वो क्रैक हो जाए तो उनका मजबूत जोड़ किस प्रकार से लगाए। एक बात आपको और बता दूं साथ ही साथ कि कभी भी आप यूएसबी केबल लेने जाएं तो बहुत ज़्यादा लेंथी केबल ना लें, उससे चार्जिंग स्लो हो जाती है। ये आप देख रहे हैं मेरे पास एक केबल है, काफ़ी लेंथी है और इस कारण से इसकी चार्जिंग स्लो रही थी। कभी भी आप यूएसबी केबल लें तो ओरिजिनल केबल लें। और एक और भी आपको मैं इसके साथ साथ बता दूं, अगर आपका फ़ोन स्लो चार्ज हो रहा है तो आप पहले क्या करिए, ये जो यूएसबी केबल होती है, डेटा केबल होती है, इसको आप लगाते हैं, चार्जिंग तो शो करता रहता है फ़ोन लेकिन चार्ज होता नहीं है, 10 या 15% ही होता है। तो आप सबसे पहले चार्जर बदलने की बजाय या फ़ोन दिखाने की बजाय आपको ये डाटा केबल ओरिजिनल ले लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने कुछ एक आपको यूएसबी केबल और चार्जिंग के बारे में बातें बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।